हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेकी के एक और पहलू के बारे में बताने वाला हूँ। रेकी को पूरी दुनिया में एक दिन या दो दिन के क्लासरूम फॉर्मेट में सिखाया जा रहा है। सुबह जाते हैं, गुरुजी गुरुमा से मिलते हैं और आपकी शक्तिपात होती है। दिन भर आपको उसके बारे में कुछ थ्योरीज, कुछ प्रैक्टिकल्स कराया जाता है और शाम को आपको सर्टिफिकेट दे के भेज दिया जाता है कि अगले 21 दिनों तक आप लगातार 24 पार्ट में 3-3 मिनट की हीलिंग करें, 72 मिनट की हीलिंग, 1.5 घंटे की हीलिंग रोज अपने लिए करें। जो बीमार है, परेशान है, दर्द हो रहा है, उनके लिए तो ये परेशानी की बात है ही कि रोज 1.5 घंटे हीलिंग करनी है। लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इसलिए सीख रहे हैं कि दूसरों को हीलिंग देना है या फिर आगे जाके उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए, उनके प्रेजेंट लाइफ में पॉजिटिविटी आए, फ्यूचर उनका बढ़िया रहे, और उसके लिए अपने सारे एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वो रोज़ 1.5 घंटे वो भी पहले ही दिन से करने लगे। कुछ दिन तो वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि रोज़ 1.5 घंटे बैठ के हीलिंग करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने जब इसको सिखाना शुरू किया आज से करीब 10 साल पहले, तो मैंने जब देखा कि यही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी और यही प्रॉब्लम अमूमन सभी के साथ हो रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा आसान बनाया जाए। तो मैंने कुछ ऐसे सिस्टम शुरू किया और लोगों को इस टाइप से सिखाना शुरू किया कि आपको रोज़ 1.5 घंटे की करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, काफ़ी रहेगा। लेकिन उसके बाद जो आपके पास समय होगा उसको आप अपने आप को डेवलप करने में लगाइए, क्योंकि रेकी ये ट्रीटमेंट करने की पद्धति नहीं है। ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि एलोपैथिक वेस्टर्न मेडिसिन है। कोई मेडिसिन खाना चाहते हो तो आयुर्वेदिक खा सकते हो, होम्योपैथिक ले सकते हो, और भी कई सारी थेरेपीज है जिसको किया जा सकता है। लेकिन अगर हम रेकी की बात करें तो मैं रेकी को एक ऐसा सिस्टम समझता हूँ कि उसको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आप दिन भर में खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, नॉर्मल काम करते हो, वैसे ही रेकी भी होना चाहिए। तो रेकी को मैंने ऐसे डेवलप किया है, इसके कोर्स को ऐसे डेवलप किया है कि जो एक दिन या दो दिन की बात नहीं है, ये पूरा 30 दिनों का कोर्स है। और 30 दिनों को आप चाहें तो अपने घर पे रह के होम बेस्ड प्रैक्टिकल कोर्स के तौर पे आप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे सेंटर में आके भी सीख सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन या दो दिन की बात नहीं होगी, क्योंकि एक दो दिन में आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपको लगातार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से मैंने इसको अलग टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसको मॉड्यूल्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली वाइज आपको अलग अलग असाइनमेंट्स मिलते हैं सो दैट आप प्रैक्टिस करते हो। रेकी में मैं सिर्फ रेकी नहीं सिखाता, मैं आपको कुछ माइंड पावर टेक्निक सिखाता हूँ। और ये माइंड पावर टेक्निक हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, अपने बिलीफ को बनाने के लिए, हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रेकी में मैं अलग से कराने की कोशिश करता हूँ। और चूंकि मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज़ को आपके माइंड में प्रोग्राम होने के लिए 28 डेज लगता है। आप किसी भी सोच को, किसी भी भाव को, किसी भी संकल्प को, किसी भी अफर्मेशंस को, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को लगातार रोज़ रोज़ रिपीटेटिव वे में करते रहे करते रहे करते रहे तो वो आपके माइंड में प्रोग्रामड हो जाता है। और मैं रेकी ऐसे ही सिखाता हूँ कि रेकी आपके माइंड में ऐसे प्रोग्राम हो जाए कि आपको लगे ही नहीं कि मैं रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ, मुझे इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं सांस ले रहा हूँ। तो मैं रेकी इस टाइप से सिखाता हूँ कि आप खाना खा रहे हैं तो भी रेकी हो रहा है, पानी पी रहे हैं तो भी रेकी हो रहा है, आप चल रहे हैं तो रेकी हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं तो रेकी हो रहा है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी आपके आभामंडल और आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी की वजह से रेकी हो रहा है, और अगर आप सो रहे हैं, जी हाँ, अगर आप सो भी रहे हैं
तब भी आप अपने पूरे शरीर की हीलिंग कर सकते हैं बिना डेलिबरेटली कॉन्शियसली बैठ के या लेट के। आप सो रहे हो तब भी आप हीलिंग कर सकते हैं। आप इस तरीके से मुझसे रेकी सीख सकते हैं। रेकी को मैंने बहुत आसान बना दिया है, वेरी यूजर फ्रेंडली। मेरा 13 साल का बच्चा भी प्रैक्टिस करता है और वो तब से प्रैक्टिस कर रहा है जब से वो 10 साल का था। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, ये बहुत ही नेचुरल टेक्निक है, ये आपके अंदर ही इंस्टॉल्ड है। बस मैं सिर्फ उसको एक्टिवेट कर दूंगा और वो एक्टिवेशन आप चाहें तो अपने घर पे रह के करवा सकते हैं। उसके लिए नीचे लिंक में आपको देखने को मिलेगा, एक लिंक होगा जिसमें आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि आप कहाँ कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को लीजिए, इस चीज़ को सीखिए और न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाइए। ये मैं रेकी के माध्यम से कर रहा हूँ पिछले 18 सालों से और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रकाश आए। आप इस चीज़ को समझें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। जब भी आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, इस पद्धति को सीख रहे हैं, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बीमारियां, संघर्ष, गरीबी नहीं होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आप इस सिस्टम को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल लोगे और रोज़ प्रतिदिन इसको अपने जीवन में हर एक काम को करते हुए प्रैक्टिस करोगे। मैं इसको आर्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कहता हूँ। तो आप चाहें तो इसे सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। घर पे रह के सीखे, आराम आराम से सीखे, लेकिन अपने जीवन के लिए कम से कम एक महीना डेडिकेट कीजिए। 30 दिन का ये इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे तो अभी या कभी भी शुरू कर सकते हैं। आज मुझे आपको रेकी के बारे में यही बताना था। सो आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो। थैंक यू। रेकी ब्लेस यू।